नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज के इस ताजा तरीन खबर पर एक नजर। छावनी परिषद बबीना के सभी वार्डों में इन दिनों पेयजल संकट गहरा गया है, क्योंकि बबीना को जल निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन माता टीला से जल निगम बबीना तक आने वाली एक पाइपलाइन के वस्ट हो जाने से बबीना में पेयजल संकट गहरा गया है। एक तरफ कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा, तो दूसरी तरफ भीषण गर्मी और इसी दौरान बबीना कस्बे में पानी की आपूर्ति में बाधा पैदा हो जाना, इन सब बातों ने कस्बे के लोगों को हिलाकर रख दिया है और घर में ज़रूरत के लिए पानी की व्यवस्था जुटाने के लिए लोगों को या तो कुओं का सहारा लेना पड़ रहा है या फिर हैंडपम्पों का। कस्बे में अगर हैंडपम्पों की बात करें तो मोहल्लों में हैंडपम्पों की हालत भी जर्जर बनी हुई है। कई मोहल्लों में हैंडपम्प खुले पड़े हैं तो कहीं हैंडपम्पों में पानी ही नहीं है, क्योंकि इन हैंडपम्पों की उचित देखभाल ना होने से आज हैंडपम्प से भी लोग पानी नहीं ले पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन दुरुस्त होने के बाद ही बबीना को पानी की सप्लाई हो पाएगी। अब यह ज्ञात नहीं है कि पाइपलाइन को दुरुस्त करने में कितना समय लगेगा। वैसे छावनी परिषद बबीना अपने स्तर पर टैंकरों के माध्यम से मोहल्लों में पानी की सप्लाई कर रहा है, लेकिन छावनी परिषद के पास पर्याप्त मात्रा में टैंकर ना होने की वजह से सीमित स्तर पर ही पानी की सप्लाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इसलिए ज़्यादातर लोगों द्वारा अपने घर पर ही अपने घरों के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। जनपद झांसी के कस्बा बबीना के युवा समाज सेवी सुमित त्रिपाठी ने अपने साथियों के साथ बबीना के समीपवर्ती ग्राम गोवाउली, बघौरा और शांति नगर इत्यादि इलाकों में जाकर आज ग्रामीणों को रियल जूस, शैम्पू, ग्लूकॉन डी, डाबर च्यवनप्राश, डाबर आंवला तेल, डाबर हनी, हैंड सैनिटाइजर आदि जरूरत का सामान वितरित किया। इस दौरान सुमित त्रिपाठी के साथ उनके सहयोगी धर्मवीर पाल, मोनूपुरी, रानू तिवारी शामिल रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से विजय वर्मा के साथ गौरव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकॉन पर